एवरी वन सो आज हम एडिड टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल टॉपिक वर्क एंड को डिस्कस करने वाले हैं तो सेट वन में टोटल टेन क्वेश्चंस है और धीरे धीरे एक एक करके हम लोग दसों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा बट मैं पहले रीड कर देती हूँ विच इज द टोटल वेज ऑफ सिक्स मैन फोर वेमेन एंड एट बॉयज इज रुपीज ट्वेंटी सिक्स इफ़ द वेज ऑफ सिक्स मैन आर इक्वल टू दैट ऑफ एट वेमेन एंड द वेज ऑफ फोर वमेन आर इक्वल टू दैट ऑफ सिक्स देन फाइंड आउट दोटल वेजिसमेन एंड फोर बॉयज सो इस क्वेश्चन को समझते हैं इसमें सबसे पहले तो हमें दिया है कि जो टोटल अर्निंग है सिक्स मैन फोर वेमेन एंड एट बॉयज की वो ट्वेंटी सिक्स है और एक और चीज गिवेन है कि जो सिक्स मैन का अर्निंग है वो इक्वल है एट वेमेन के अर्निंग्स के एंड इन द सेम वे जो फोर वेमेन का अर्निंग है वो इक्वल है फोर सिक्स बॉयज़ के अर्निंग के तो उसके हिसाब से हम लोग एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो डेली वेजेस है वो मेन का उसको कैपिटल एम हम लोगों ने माना है इन द सेम वे हम लोगों ने वेमेन की कैपिटल डब्ल्यू और बॉयज़ की कैपिटल बी माना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा लिखा था सिक्स मैन की अर्निंग जो है वो एट वेमेन की अर्निंग के इक्वल है और फोर वेमेन की अर्निंग जो है वो सिक्स बॉयज की अर्निंग के इक्वल है तो ये तो ये हमारा इक्वेशन वन हुआ तो हाँ सबसे उसके अलावा एक चीज और था सिक्स मैन प्लस फोर वेमेन प्लस एट बॉयज की जो अर्निंग है वो टोटल ट्वेंटी सिक्स है तो उसका हमारा एक सेकेंड इक्वेशन बना तो इक्वेशन वन से हम लोग विमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे विमेन के टर्म्स में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखो दोनों टर्म्स को तो दोनों टर्म्स जो है वो एट दी एंड इक्वल हो रहे हैं विमेन पे तो यहाँ पे इजी रहेगा वेमेन के टर्म्स में अगर हम लोग इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो तो सिक्स मैन इज इक्वल्स टू एट वेमेन जो कि यहाँ पे है फोर वेमेन सेम रहेगा और एट बॉयज़ का अर्निंग हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो बी का वैल्यू यहाँ पे फोर डब्ल्यू बाई सिक्स होगा विच इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स इन टोटल तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आया इसको सॉल्व करने के बाद हमारा डब्लू का वैल्यू वन पॉइंट फाइव है दैट मीन्स कि एक डेली अर्निंग एक वेमेन का रुपीज़ वन पॉइंट फाइव है तो इन द सेम वे हम लोग जब डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास डेली वेज या डेली अर्निंग एक मैन का भी निकल के आएगा तो हम उसी उस पुट करने के बाद हमारे पास डेली अर्निंग मैन का निकल के आया है रुपीज़ टू इन द सेम वे हमारा हम लोग बॉयज़ के बॉय के लिए एक लड़के के लिए भी निकालेंगे जो कि एक हमारा एक बॉय का अर्निंग है पर डे का रुपीज़ वन तो हमारे पास क्वेश्चन में था कि टोटल अर्निंग जो है हमारा वो सिक्स वेमेन एट मेन एंड फोर बॉयज़ के लिए कितना होगा तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ चुकी है एक एक डे के अकॉर्डिंग तो हम लोग सिक्स वेमेन इनटू जो डे का एक, आ, अर्निंग है वन मैन का वन पॉइंट फाइव प्लस एट मैन एट मैन का जो अर्निंग है रुपीज़ टू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फोर बॉय इंटू वन विच इज़ बॉय का अर्निंग है पर डे का तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अवेलेबल है विथ ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ वर्क टूगेदर फॉर रूपीज थ्री हंड्रेड ए अलोन कैन डू इट इन एट डेज एंड बी अलोन इन डू इट इन ट्वेल्व डेज बट विद देल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन फोर डेज तो फाइंड द शेयर ऑफ सी ध्यान से देखें तो इसमें हमें टोटल वर्क कितना करना है ए बी सी के द्वारा वो नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसमें टोटल वर्क डन निकालेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए कि ए ने कितना टाइम दिया बी ने कितना टाइम दिया और तीनों ने मिलकर कितना टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग सो तो उसका एल सी एम लेंगे तो ए ने एट डेज में कम्प्लीट किया था बी ने ट्वेल्व डेज में कंप्लीट किया एंड तीनों ने मिलकर फोर डेज में कंप्लीट किया इसका एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आएगा ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क था जो कि ए बी सी ने अपने अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट किया तो एक दिन का सबसे पहले अब हम शेयर निकालेंगे कि ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया तो वर्क डन बाई ए इन वन डे टोटल वर्क ट्वेंटी फोर और टाइम टेकन ए बाई एज एट डेज तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे जिससे हमारा यूनिट आ गया थ्री तो एक ए को एक दिन में एक ए ने एक दिन में तीन यूनिट काम किया सिमिलरली हम लोग बी का निकालेंगे कि बी ने एक दिन में कितना काम किया तो उसके लिए टोटल वर्क है ट्वेंटी फोर बी ने ट्वेल्व डेज लगाया तो इससे हमारा आंसर आया टू यूनिट्स तो बी ने दो यूनिट काम किया एक दिन में अब हमें सी के बारे में तो नहीं पता है कि सी ने कितना काम किया और कितने टाइम उसने लगाया लेकिन हमें पता है कि टोटल ए बी और सी तीनों ने मिलकर चार दिन में काम ख़त्म किया है तो ए बी सी तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म किया है उसके लिए हम निकालेंगे उसके लिए हमारे पास टोटल वर्क है ट्वेंटी फोर और तीनों ने मिलकर चार दिन लगाया है तो तीनों ने मिलकर एक दिन में छः यूनिट काम किया है डिवीजन करने से हमें यहाँ पर आंसर मिल गया तो अब हमें निकालना है कि सी ने एक दिन में कितना काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर छः यूनिट काम किया है ए का हमें पता है कि उसने एक दिन में तीन यूनिट काम किया है बी का हमें पता है कि उसने तीन एक दिन में दो यूनिट काम किया है तो अगर हम इसको एडिशन सब करते हैं तो सी का वैल्यू हमें मिल जाता है कि सी ने एक दिन में एक यूनिट काम किया है उसके अकॉर्डिंग अब ए और बी जो है उन्हों, उन्होंने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था रुपीज़ थ्री हंड्रेड वो काम ख़त्म करने का तो उसके अकॉर्डिंग सी का शेयर कितना बनता है जब उसने एक यूनिट काम एक दिन में किया है तो तो उसके लिए हम अगर सी का जब शेयर निकालेंगे तो उसने एक यूनिट काम किया है एक दिन में और टोटल एक दिन में छः यूनिट काम हो, होने थे तो टोटल बाई बाई सिक्स और उसके लिए थ्री हंड्रेड रुपीज़ टोटल मिलना था तो यहाँ पे थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई हुआ तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला विच इज रुपीज फिफ्टी दैट मीन्स कि सी का टोटल शेयर बना पर डे का रुपीज फिफ्टी जितना भी दिन उन्होंने काम किया सॉरी सॉरी सी का शेयर बना रुपीज फिफ्टी यहाँ पे पर डे का ऑलरेडी किया हुआ है सारा चीज वन वन भी पर डे के अकॉर्डिंग है और ये टोटल सिक्स यूनिट्स भी पर डे के अकॉर्डिंग निकला हुआ था तो सी का शेयर बनता है रुपीज फिफ्टी तो so, हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि कहता है फाइव मेन एंड फाइव वेमेज सिक्स हंड्रेड सिक्सटी इन थ्री डेज टेन मेन एंड ट्वेंटी वेमेन रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन फाइव डेज सो इन हाउ मेनी डेज कैन सिक्स मैन एंड फोर वेमेन अन रुपीज वन सो उसके लिए तो चलिए देखते हैं कि ये अब सॉल्व कैसे होगा सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि एक मैन या एक आदमी एक दिन में एम रुपीज अर्न करता है इन द सेम वे एक वेमेन एक दिन में डब्ल्यू रुपीज अर्न करती है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइव मैन एंड फाइव वुमेन जो है वो तीन दिन में रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी अर्न करते हैं तो यही पांच मेन एंड पांच वेमेन मिलकर एक दिन में कितना अर्न करेंगे तो उसके लिए हमें 660 हंड्रेड 3 बाई थ्री करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 220। तो पांच वेमेन एंड पांच तो पांच वेमेन एंड पांच मेन मिलकर एक दिन में अर्न करते हैं रुपीज टू तो यहाँ हमारा एक इक्वेशन बनता है 5m एम प्लस फाइव डब्लू इज इक्वल्स टू टू इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक रिजल्टेंट हमारे पास आता है विच इज एम प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्टी फोर ना नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है कि टेन मेन और ट्वेंटी वेमेन पांच दिन में अर्न करते हैं रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो उसके अकॉर्डिंग यही दस वे मैन और 20 वेमेन मिलकर एक दिन में कितना अर्न करेंगे तो इसका भी आंसर हमें डिवीजन करके मिलेगा 3500 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है 700 तो 10 मेन एंड 20 वेमेन मिलकर साथ में एक दिन में अर्न कर रहे हैं सेवन हंड्रेड तो यहाँ से हमारा एक सेकेंड इक्वेशन बनता है विच इज टेन मैन प्लस ट्वेंटी वेमेन जो अर्न इज इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड उनका अर्निंग है एक दिन का तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर है एम प्लस टू डब्ल्यू इज इक्वल टू सेवेंटी तो ये हमारा इक्वेशन टू बना सॉल्व करने के बाद ना यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम uh, sec, first equation को second equation से फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एम और डब्ल्यू दोनों की वैल्यू आ जाएगी वो भी बहुत ईजी वे में तो जब हम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास W की वैल्यू आती है ट्वेंटी सिक्स और M की वैल्यू आती है एटीन दैट मीन्स कि एक वेमेन एक दिन में अर्न कर रही है रुपीज ट्वेंटी सिक्स और एक मैन एक दिन में अर्न कर रहा है रुपीज एटीन सो so, उसके अकॉर्डिंग छ मैन और चार वेमेन मिलकर एक दिन में कितना अर्न कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सिक्स मैन सिक्स एम एक मैन एक दिन में अर्न कर रहा है रुपीज एटीन तो सिक्स इंटू एटीन प्लस फोर वेमेन फोर और एक वेमेन एक दिन में अर्न कर रही है रुपीज ट्वेंटी सिक्स तो फोर इंटू ट्वेंटी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी रुपीज टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो सिक्स मैन एंड फोर वेमेन दोनों मिल्स मैन एंड फोर वेमेन मिलकर एक दिन में रुपीज टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व अर्न कर रहे हैं तो जब ये सिक्स मैन एंड फोर वेमेन एक दिन में टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व अर्न कर रहे हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा रुपीज़ टेन वन थाउजेंड एंड सिक्सटी अर्न करने में मिलकर साथ में तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ डिटेल्स मिल चुका है सो टू अर्न रुपीज़ वन थाउजेंड एंड सिक्सटी बाई सिक्स मैन एंड फोर वीमेन उसके लिए हमें चाहिए ये टोटल और एक दिन में उन्होंने कितना अर्न किया तो हमारा यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा तो टेन हंड्रेड वन थाउजेंड एंड सिक्सटी बाई जब हम टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व रुपीज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फाइव डेज सो छुमेन दोनों को मिलकर रुपीज वन थाउजेंड एंड सिक्सटी अर्न करने में पांच दिन लगने वाले हैं तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो so, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कहता है सुरेश कैन डू द वर्क इन फिफ्टीन डेज मनी भी डिवाइडेड बिटवीन देम तो हमारे पास दिया है कि सुरेश जो है वो एक काम पंद्रह दिन में कर रहा है और रमेश और सुरेश दोनों मिलकर वही काम दस दिन में खत्म कर रहे है तो जो टोटल अमाउंट है फिफ्टीन हंड्रेड जो उनको पे किया जा रहा है वो उन दोनों में किस तरीके से डिवाइड होना चाहिए तो यहाँ पे फिर से अगर हम देखें तो टोटल कितना काम करना था वो दिया हुआ नहीं है तो टोटल वर्क जो सुरेश और रमेश दोनों ने मिलकर किया उसका सबसे पहले हम टोटल यूनिट्स निकालेंगे उसके लिए हमें चाहिए कि टोटल वर्क डन बाय रमेश और सुरेश उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम कि रमेश और सुरेश ने कितना कितना काम किया तो रमेश अकेला पंद्रह दिन ले रहा है और दोनों मिलकर दस दिन ले रहे हैं तो इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे तो थर्टी यूनिट्स आया तो टोटल इन्होंने मिल कर, इन्होंने मिलकर काम किया थर्टी यूनिट्स। तो वर्क डन सुरेश इन वन डे तो हमें पता है कि सुरेश ने एक तो हमें पता है कि सुरेश ने कुछ काम किया पंद्रह दिन में तो एक दिन में सुरेश ने टोटल कितना काम किया वो निकाल वो निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल वर्क हमें पता है थर्टी यूनिट्स और उसने टोटल पंद्रह दिन काम किया है तो एक दिन में उसने लगभग टू यूनिट्स काम किया है उसके बाद हमें रमेश का नहीं पता कि रमेश ने कितना काम किया है कितना दिन में अकेले तो हम लेकिन हमें पता है कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया है विच इज़ दोनों ने मिलकर दस दिन में काम ख़त्म किया है तो कितना काम उसने किया है दोनों ने मिलकर वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें दिया टोटल थ्री थर्टी यूनिट्स काम था टोटल हमारे पास और दोनों ने मिलकर दस दिन लगाया है तो दोनों ने मिलकर एक दिन में तीन यूनिट काम किया है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब रमेश ने कितना काम किया है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुरेश ने दो यूनिट काम किया है और टोटल काम एक दिन में तीन यूनिट हुआ है तो रमेश का शेयर होता है एक यूनिट तो दोनों का शेयर कैसे डिवाइड होगा तो शेयर सुरेश का निकालने के लिए सब हमारे पास दो यूनिट काम सुरेश ने किया था टोटल तीन यूनिट काम था और उसके लिए दोनों को टोटल मिल रहे हैं फिफ्टीन हंड टोटल तो तो दोनों को मिलाकर मिल रहे हैं फिफ्टीन हंड्रेड तो टू बाई थ्री इंटू फिफ्टीन हंड्रेड करने पे हमें सुरेश का शेयर मिल जाता है विच इज़ रुपीज़ वन थाउजेंड और इन द सेम वे हम रमेश का निकालेंगे तो रमेश ने एक यूनिट तो रमेश ने एक यूनिट काम किया है और टोटल काम तीन यूनिट था और उसके लिए हमें मिल रहे थे फिफ्टीन हंड्रेड एज टोटल तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें रमेश का शेयर मिल जाएगा विच इज फाइव हंड्रेड तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन डेज वाइल चंदन कैन डू इट इन डेज़ बोथ वर्क टुगेदर एंड फिनिश द वर्क एंड फिनिश द वर्क ओके यहाँ पे काम हमारा खत्म हो रहा है तो इन वॉट रेशियो शुड द टोटल अर्निंग बी डिवाइडेड बिटवीन दम तो यहाँ पे हमें पता है कि राम ने कितना काम किया कितने दिन काम किया चंदन ने कितना दिन काम किया लेकिन कितना काम हुआ वो नहीं पता है तो पहले हम वो निकालेंगे तो जो कि हमारा एल सी एम से निकलने वाला है एल सी एम राम ने फिफ्टीन डेज काम किया चंदन ने ट्वेंटी फाइव डेज काम किया जब हम इसका एल सी एम निकालेंगे तो एल सी एम का वैल्यू हमारे पास आएगा सेवेंटी फाइव यूनिट्स तो टोटल काम हमारे पास सेवेंटी फाइव यूनिट्स था तो वर्क डन बाई राम इन वन डे तो एक दिन में राम ने कितना काम किया वो टोटल बाई राम ने कितना टाइम लगाया विच इज़ फिफ्टीन डेज जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर मिला फाइव यूनिट्स इन द सेम वे हम चंदन का निकालेंगे कि चंदन ने एक दिन में कितना काम किया तो चंदन टोटल काम था सेवेंटी फाइव चंदन ने लगाया ट्वेंटी फाइव डेज तो चंदन ने टोटल एक दिन में काम किया थ्री यूनिट्स तो यहाँ पे रेशियो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इजी है निकालना कि राम ने पाँच कि राम ने पाँच यूनिट काम किया और चंदन ने तीन यूनिट काम किया तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का शेयर्स बनेगा उसका रेशियो बनेगा फाइव इस टू तो थ्री ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये जस्ट हमें आ, उस, उसका राम और चंदन का काम हमने डिवाइड किया कि एक दिन में उन्होंने कितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उनका एक दिन का रेशियो निकल के आ गया या ओवरऑल एक रेशियो निकल के आ गया कि चंदन को जो भी उनकी अर्निंग होगी टोटल उस टोटल का चंदन राम को फाइव यूनिट्स जाएगा यूनिट्स जाएगा और उसके अकॉर्डिंग तीन यूनिट जाएगा चंदन को जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है सो so, यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है आप ऑप्शन देख लेना फाइव में आंसर है फाइव तो, तो हमारा फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जो कि कहता है कि ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्टेड टू डू अ वर्क फॉर रुपीज फोर थाउजेंड एंड टू हंड्रेड ए कैन डू द वर्क इन सिक्स डेज बी इन टेन डेज एंड सी इन ट्वेल्व डेज सो इफ दे वर्क टूगेदर टू डू द वर्क वॉट इज द शेयर ऑफ बी तो हमारे पास लगभग दिया है कि ए और बी सी तीनों ने इंडिविजुअली अपना कितना टाइम दिया है और अगर हम सब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बी का कितना शेयर बनेगा तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे जो कि हमें पता है कि एल सी एम निकाल से निकालना है एल सी एम की ए ने कितना टाइम दिया विच इज सिक्स डेज बी ने कितना टाइम दिया विच इज टेन डेज और सी ने कितना टाइम दिया विच इज ट्वेल्व डेज तो तीनों का एल सी एम जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा सिक्सटी यूनिट्स तो तीनों ने मिलकर सिक्सटी यूनिट्स काम किया है तो वर्क डन बाई ए इन वन डे तो बेसिकली वन ए ने एक दिन में कितना काम किया जो कि हमारे पास टोटल यूनिट है टोटल वर्क है सिक्सटी यूनिट्स ए ने सिक्स डेज दिया है तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि ए ने एक दिन में दस यूनिट काम किया है इन द सेम वे बी ने एक दिन में सिक्स यूनिट काम किया है और सी ने एक दिन में पाँच यूनिट काम किया है क्योंकि बी दिन ने दस दिन लगाया कंप्लीट करने में और सी बारह लगाया काम कंप्लीट करने में तो हमारे पास जो टोटल अर्निंग तीनों को है वो है फोर थाउजेंड एंड टू हंड्रेड लेकिन हमें निकालना है शेयर कि बी का कितना टोटल शेयर होगा जब बी ने पांच सिक्स यूनिट काम किया है सिक्स यूनिट काम किया है एक दिन में तो उस आ, b का शेयर निकालने के लिए हमें हमारे पास b का काम पता है कि b ने सिक्स यूनिट काम किया है टोटल काम कितना था एक 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 दिन का टोटल काम जो था वो था टेन प्लस सिक्स प्लस फाइव विच इज़ ट्वेंटी वन डेज यहाँ पे जो हमने सिक्सटी यूनिट्स निकालना है ये टोटल काम हुआ कितना तीनों ने मिलकर कितना दिन कितना टाइम लगाया उसके अकॉर्डिंग ये टोटल काम था सिक्सटी यूनिट्स लेकिन तीनों ने एक एक दिन में कितना काम किया है उसका टोटल है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन यूनिट्स इसी के लिए जब हम टोटल सिक्स यूनिट्स है बी का एक दिन का काम उसके बाद टोटल एक दिन का काम था ट्वेंटी वन तो और उसके बाद हमारे पास टोटल अर्निंग्स है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड तो इन टू फोर थाउजेंड टू हंड्रेड जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है विच इज़ ट्वेल्व हंड्रेड तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का टोटल शेयर बनता है रुपीज़ ट्वेल्व हंड्रेड जो भी उसने काम किया अपना अपना जो भी एफर्ट्स उसने दिया उसके अकॉर्डिंग So, ये था हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा कहता है मैन इज ट्वाइस दैट ऑफ अ वन सो हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर एट डेज टू अर्न रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड तो क्वेश्चन काइंड ऑफ बहुत सिंपल है बस थोड़ी सी ध्यान देने की नीड है यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा चीज़ दिया है हमें बस ध्यान देना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में में कि वुमेन दिन अर्न कर रही है इज़ यानी कि दस वुमेन पाँच दिन लगा के ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज अर्न कर रही है तो एक वुमेन पाँच दिन लगा कर कितना अर्न करेगी तो हम ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी को दस से डिवाइड करेंगे विच इज विच गिव्स रुपीज टूल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव यानी कि एक वेमेन पाँच दिन में वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज कर रही है तो एक विमेन एक दिन तो एक वेमेन एक दिन में कितना अर्न करेगी तो उसके बाद हम फिर से वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड देंगे क्योंकि फाइव डेज था फाइव से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स कि एक वेमेन एक दिन में ट्वेंटी फाइव रुपीज कर रही है अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वेज ऑफ अ मैन और अ अ डेली वेज ऑफ मैन इज टू टाइम्स द डेली वेज ऑफ अ कि एक आदमी की डेली की अर्निंग जो है वो टू टाइम्स है डेली की अर्निंग एक वुमेन के एक। इक्वल्स तो वेज ऑफ अ मैन फॉर अ डे यानी इससे हम अपना मैं एक मैन का एक दिन में कितना अर्निंग है वो निकाल सकते हैं कैसे तो वेज ऑफ अ मैन फॉर अ डे इज इक्वल्स टू टू टाइम्स द वेज ऑफ अ वुमेन यानी कि टू टाइम्स 25 क्योंकि वेज ऑफ अ वुमेन पर डे इज 25 तो 2 25 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹50 यहाँ आपसे हमें पता चल गया कि एक मैन एक दिन में ₹50 अर्न कर रहा है तो एक मैन 8 दिन में कितने अर्न करेगा तो हम 50 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400 यानी कि एक मैन आठ दिन लगाकर 400 हंड्रेड रुपीज अर्न कर रहा है तो अब क्वेश्चन हमारा कहता है हमारा हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने मैन काम करेंगे आठ दिन तक तो वो सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज अर्न कर सकते हैं तो सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज अर्न करने के लिए हमें चाहिए एक दिन में फोर हंड्रेड रुपीज सॉरी एक मैन फोर हंड्रेड रुपीज अर्न कर रहा है आठ दिन लगाकर और हमें कितने मैन चाहिए विच इज़ एक्स और चार सौ रुपये लगा चार सौ रुपये मिल रहे हैं आठ दिन तक काम करने के लिए एक मैन को और टोटल हमें कितना चाहिए सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ अर्न करना है तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स की वैल्यू विच इज फोर यानी कि हमें चार मैन चाहिए जो कि आठ दिन तक काम करेंगे तो वो सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज अर्न कर सकते हैं तो हमारा आंसर है फोर मैन will required to earn hundred in eight days. so ये हमारा था question number seven. तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ which is question number eight, जो कि कहता है A, B and C can do a piece of work in four, six and ten days respectively. यानी कि A को four days लग रहा है B को six days लग रहा है और C को ten days लग रहा है दे फिनिश द वर्क टूगेदर एंड अर्न रूपीज थ्री हंड्रेड एंड टेन वट इज द शेयर ऑफ इच यानी कि हमें हमें पता है कि ए बी और सी कितना काम किए कितना दिन सॉरी कितना काम किए वो हमें नहीं पता लेकिन उन्होंने कितना दिन में अपना काम खत्म किया वो हमें पता है और उन्हें टोटल कितनी अर्निंग हो रही है वो हमें पता है लेकिन हमें सबके शेयर यानी कि ए को कितना शेयर मिलना चाहिए बी को कितना शेयर मिलना चाहिए और सी को कितना मिलना चाहिए वो निकालना है तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वर्क निकालेंगे कि तीनों ने मिलकर कितना काम किया तो उसके लिए हमें पता है कि हमें एलसीएम लेना है कि ए ने कितना दिन काम किया विच इज़ फोर बी ने काम किया सिक्स डेज और सी ने काम किया टेन डेज तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा आंसर सिक्सटी यूनिट्स यानी कि टोटल वर्क हुआ तीनों के द्वारा सिक्सटी यूनिट्स तो वर्क डन बाई ए इन वन डे एक दिन में ए ने कितना काम किया विच इज सिक्सटी बाई फोर क्योंकि चार दिन में उसने काम किया चार दिन उसने काम किया तो आंसर हमें मिला फिफ्टीन यूनिट्स यानी कि एक दिन में ए ने फिफ्टीन यूनिट्स काम किया इन द सेम वे हम बी की निकालेंगे कि बी ने एक दिन में कितना काम किया तो बी टोटल वर्क है सिक्सटी बी ने छः दिन लगाया है और हमें आंसर मिलता है टेन यूनिट्स यानी कि बी ने टेन यूनिट्स काम किया है छ दिन में सॉरी एक दिन में छेन यूनिट्स काम किया है बी ने इन द सेम वे हम सी का निकालेंगे कि सी ने एक दिन में काम किया है सी टोटल वर्क है हमारा सिक्सटी सी ने टाइम लगाया है टेन डेज तो सिक्सटी बाई टेन विच इज इक्वल्स टू सिक्स यानी कि सी ने एक दिन में छः यूनिट काम किया है अब इसके अकॉर्डिंग हम शेयर्स डिवाइड करेंगे हमारे पास टोटल अर्निंग हो रही है थ्री हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ की यहाँ पे अब हम ए का शेयर जब निकालते हैं तो ए ने फिफ्टीन यूनिट्स काम किया है बाय टोटल थर्टी वन रुपीज सॉरी थर्टी वन यूनिट तो थर्टी वन यूनिट यहाँ पे यहाँ ऐसे आया फिफ्टीन प्लस टेन प्लस सिक्स विच इज इक्वल्स टू थर्टी वन क्योंकि हम यहाँ पे एक एक डे के बेसिस पे निकाल रहे हैं इसी के लिए जो हमारा टोटल वर्क यूनिट भी होगा वो एक डे के बेसिस पे होगा कि एक दिन में ए ने बी ने सी ने टोटल कितना काम किया विच इज थर्टी वन तो ए ने एक दिन में काम किया फिफ्टीन बाय टोटल थर्टी वन इन टू हमारा टोटल अर्निंग है थ्री हंड्रेड एंड टेन तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ए के लिए शेयर बनता है विच इज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज इन द सेम वे अब हम बी के लिए शेयर निकालेंगे तो बी ने काम किया टेन यूनिट्स हमारे पास टोटल है थर्टी वन यूनिट और टोटल अर्निंग हमारी हो रही है थ्री हंड्रेड एंड टेन रुपीज तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर रुपीज वन हंड्रेड यानी कि बी का शेयर बनता है रुपीज वन हंड्रेड ना अब इसके इन द सेम वे यानी सिमिलरली हम सी की भी शेयर निकालेंगे तो सी ने टोटल काम किया था छ यूनिट टोटल यूनिट वर्क है थर्टी वन और टोटल अर्निंग हमारी हो रही है थ्री हंड्रेड एंड टेन तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सिक्सटी यानी कि ए ने वन ए का शेयर है वन हंड्रेड रुपीज फिफ्टी बी का शेयर है वन हंड्रेड रुपीज एंड सी का शेयर है रुपीज सिक्सटी तो हमारा क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हम आप आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ जो कि हमारा कहता है ए बी एंड सी together earn rupees twenty seven hundred in eighteen days, A and C together earn rupees nine hundred forty in ten days, B and C together earn rupees fifteen hundred and twenty in twenty days, so find the daily earning of C. यानि कि हमें दिया है ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं अट्ठारह दिन के लिए और उन्हें उनकी टोटल अर्निंग हो रही है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना अर्न करेंगे तो हम जब 2700 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक दिन की अर्निंग मिल जाएगी विच इज़ 150 रुपीस। यानी कि ए बी और सी तीनों की साथ में मिलकर कमाई हो रही है एक दिन में 150 रुपीस। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की विच इज ए और सी टुगेदर अर्न रुपीज 940 हंड्रेड फोर्टी इन टेन डेज तो ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना अर्न करेंगे तो 940 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है फोर दैट मीन ए और सी दोनों मिलकर 94 फोर रुपीज अर्न कर रहे हैं एक दिन में नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन कहता है कि बी एंड सी टुगेदर अर्न रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी इन ट्वेंटी डेज तो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना अर्न करेंगे तो जब हम इसको इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में डालेंगे तो हमें मिलता है लाइक like ए और सी जो की दोनों मिलकर काम कम्प्लीट कर रहे थे और हमने जब इसको सोल्व किया तो ए और सी दोनों एक दिन में नाइंटी फोर रुपीज अर्न कर रहे हैं फिर उसकी उसी के अकॉर्डिंग बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 76 सिक्स रुपीज अर्न कर रहे हैं तो इसको जब हम इक्वेशन में के फॉर्म में डालते हैं यानी कि दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बना कि ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी गिव्स नाइन्टी फोर प्लस सेवनटी सिक्स रुपीज तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस वन हंड्रेड इज टू वन हंड्रेड नाइन्टी फोर प्लस सिक्स इज टू वन हंड्रेड तो हमारे पास गिवन है कि ए प्लस ए बी सी तीनों साथ में मिलकर जब एक दिन में तीनों साथ में मिलकर एक दिन में कितना अर्न करना है हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है इज़ स्टार्टिंग में हमने निकाला था तो ए बी सी तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम अर्निंग हो रहा है एक दिन में विच इज वन हंड्रेड फिफ्टी यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड सेवेंटी यानी कि सी की वैल्यू आई ट्वेंटी यहां से हमें आंसर मिला कि सी की अर्निंग पर डे की हो रही है रुपीज ट्वेंटी विच इज आर आंसर रुपीज ट्वेंटी इज अर्न बाय सी पर डे तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ और हमारा क्वेश्चन नंबर टेन कहता है ए बी एंड सी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर रुपीज सेवन हंड्रेड एंड सेवन A and B together done फाइव by सेवन of the work, यानी कि total सेवन unit work होगा और A और B दोनों मिलकर फाइव unit कर मतलब कि फाइव सेवन की फिफ्थ unit तक complete कर चुके हैं And the rest is done by C alone, यानी कि फाइव by सेवन work जो है वो A और B दोनों मिलकर complete कर चुके हैं और इसके अलावा जो work बचा वो wo C ने अकेले किया तो how much should C get? यानी कि इतना होने के बाद जब सी ने काम किया तो उसके अकॉर्डिंग सी को कितना अर्निंग होना चाहिए या फिर सी के कितने शेयर्स मिलने चाहिए तो हमें पता है कि ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर काम किया फाइव बाई सेवन तो उसके अकॉर्डिंग सी के अंडर में काम आया विच इज टोटल सेवन वर्क था उसमें से हम फाइव बाई सेवन माइनस करेंगे तो हमें मिला आंसर टू बाय सेवन तो सी के अंडर में काम था टू बाय सेवन वर्क तो उसके अकॉर्डिंग सी का शेयर कितना बना जब टोटल हमारे पास अर्निंग हुई है सेवन हंड्रेड सेवन की तो सी का शेयर था काम का टू बाय सेवन टोटल अर्निंग हमारी हो रही है सेवन हंड्रेड सेवन यानी कि सी ने टू यूनिट काम किया टोटल सेवन यूनिट काम था और टोटल अर्निंग हमारी सेवन हंड्रेड सेवन हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग सी जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर मिलता है रुपीज टू हंड्रेड एंड टू यानी कि सी की टोटल अर्निंग हुई है टू हंड्रेड एंड टू रुपीज सो so, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर टेन भी खत्म होता है और आज हमने मिलकर देखा एडोडिड टेस्ट सीरीज पर प्रेजेंट टॉपिक वर्क इंड वेजेस के फर्स्ट सेट को जिसके अंदर टेन क्वेश्चन थे और दसों के दसों क्वेश्चन हम लोगों ने मिलकर सॉल्व किए सो दैट्स इट फॉर दिस सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ इन केस आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है या कुछ फीडबैक आपको शेयर करना है तो आप कॉमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं थैंक यू सो मच